नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुरु चैनल में आप सबको फिर से स्वागत। मैं हूं सनातन मेहता। आज मैं फोटोकॉपियर मशीन से इस ब्लैक लाइन का सलूशन करेंगे। तो चलिए सलूशन, ये सलूशन वाला पेज ये है और ये है प्रॉब्लम वाला पेज। जो व्हाइट पेज में मैंने सलूशन करने के बाद ऐसा निकला है, और सलूशन करने से पहले ऐसा ब्लैक लाइन आ रहा था, और ये भी सलूशन करने के बाद है, और ये सलूशन करने से पहले का है। तो चलिए इसका सलूशन करके हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका ये प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो से सलूशन आपका मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं एक फोटो कॉपी करके, इसका हम एक फोटो कॉपी करते हैं। तो देखिए फोटो कॉपी क्या रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ पे हम A4 आर में फोटो कॉपी करेंगे, दोनों साइड करते हैं। तो देखिए A4 आर में हम फोटो कॉपी करके देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट आपको दिखाएंगे। चलिए आर एक स्कैन कर लेते हैं, यहाँ डन कर दिया। करने के बाद देखिए इसका अंदर से डायरेक्टली दिखा रहे हैं। देखिए ये जो फोटोकॉपी के क्वालिटी बना है बिल्कुल ऐसे करके निकला है। तो आप समझ लीजिए ये जो स्टेप मार रहा है, ब्लैक सा लाइन आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, तो इसका हम सलूशन करेंगे। तो कैसे हुआ, कैसे इसका हम सलूशन करेंगे। तो चलिए कैसे इसका सलूशन करते हैं, क्या प्रॉब्लम होने से ये ऐसा ब्लैक लाइन आता है। तो ये जो ब्लैक लाइन आता है ये दूसरे तरीके का ब्लैक लाइन है। इस तरीके का जिसका ब्लैक लाइन होता है, तो उस ब्लैक लाइन का सलूशन क्या है, इस वीडियो से आप ये ब्लैक लाइन का सलूशन कर लीजिएगा। तो चलिए ये सलूशन हम आपको देते हैं कैसे इसका सलूशन किया जाए। तो देखिए जिसको हम फोटोकॉपी किया है, इस पेज को किया है, फिर हम इसी पेज को करेंगे सलूशन करने के बाद। तो चलिए कैसे इसको सलूशन करते हैं हम करके दिखाएंगे। तो देख लीजिए ये है पेज, और इस पेज का हम A4 आर करके फोटोकॉपी किए थे। तो A4 आर का ऐसे करके पेज आया है, मतलब ड्राम ऐसे रहता है, तो इस हिसाब से ड्राम को यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए इसका सलूशन करके हम बताते हैं। तो और एक तो हम फोटोकॉपी करें जिससे कि आपका समझ में आए, एक तो फोटोकॉपी करते हैं, वो भी ब्लैंक करेंगे। तो चलिए एक तो ब्लैंक फोटोकॉपी करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लैंक रखा है, रखने के बाद हम इसको फोटोकॉपी करेंगे, ब्लैंक पेज को फोटोकॉपी करके देख लेते हैं कैसा उसका होता है फोटोकॉपी। और एक तो स्कैन कर लेते हैं, बोथ साइड करके हम देखेंगे उसका फोटोकॉपी कैसा बनेगा। यहाँ पर हम A4 आर से फोटोकॉपी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डन कर दिया, करने के बाद सीधा देख लीजिए इसका अंदर से बाहर होगा जो फोटोकॉपी, उसको हम सीधा सीधा दिखा रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे काट नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ब्लैंक पेज में हम ब्लैक में किया है। तो इसमें जो लाइन हुआ है देख लीजिए, ये जो लाइन है ये लाइन इस हिसाब से निकला है, मतलब A4 आर करके मैंने फोटोकॉपी किया है, इसका ये ब्लैक लाइन है, मतलब स्टेप है, इसको ब्लैक लाइन नहीं, इसको स्टेप बोला जाएगा। तो इसको कैसे सलूशन करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। अगर आपका मशीन में ऐसा कुछ होता है तो इस वीडियो से आप वो सलूशन कर लीजिएगा। तो चलिए इसका सलूशन हम आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम उतार देते हैं, मतलब इस ड्राम यूनिट को मुझको खोलना है, खोल के आपको दिखाएंगे कि बाकी सलूशन हो रहा है कि नहीं। पहले से मैंने खोल के रखा है, ये है ड्राम, इस ड्राम को हम चेंज करेंगे। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं। इसमें और कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ एक ड्राम को चेंज कर रहे हैं। एक ड्राम चेंज करके देखते हैं ये सॉल्यूशन होता है कि नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है आपको पता चलेगा। तो हमको पता है, तो आपको दिखाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए
दिखाते हैं सोल्यूशन। अगर आपका मशीन में प्रॉब्लम होता है इस तरीके का प्रॉब्लम, मतलब इस तरीके का प्रॉब्लम दिखाई में बहुत कुछ एक ही टाइप का लगता है लेकिन अलग अलग उसका सोल्यूशन होता है, तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम होता है तो इसका यही है सोल्यूशन। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और बाकी बाद में हम बोलते हैं आपको वीडियो करते करते। तो चलिए कैमरा को थोड़ा हम सेट कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन देख लेते हैं होता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे डोर कवर को लगा देते हैं, इस पेज को हटाते हैं, देखते हैं। यह ब्लैंक रख दिया, रख के ब्लैंक ही हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। फिर एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट यहाँ पे डन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा फोटोकॉपी से, जिसका सोल्यूशन क्या था। तो हमें लगता है इसका सोल्यूशन ड्रामी है और कुछ नहीं। तो देख लीजिए आपको सीधा सीधा दिखाया, यहाँ पे कहीं पे काट नहीं है। ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने किया यहाँ पे देख लीजिए, A4 आर्ट से मैंने फोटोकॉपी किया। A4 आर्ट से अगर ड्राम का A4 आर्ट से जो लाइन होता है ड्राम का ही लिए वो लाइन होता है, अगर आप A4 में अगर करते तो ये लाइन इस तरीके का होता, मतलब ड्राम का जो लंबाई करके ड्राम रहता है उस हिसाब से होता है। तो चलिए आपको एक फोटोकॉपी करके देखते हैं उसी पेज को, जिस पेज को मैंने किया था पहले उस पेज को मैंने फोटोकॉपी फिर करके देखते हैं। तो देखिए फोटोकॉपी में ठीक सही रहेगा कि नहीं। स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट, डन कर दिया। तो देख लीजिए यहाँ पे फोटोकॉपी बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला देखिए स्टेप मार रहा है और पहले मैंने जो किया था वो ये वाला है। इस फोटोकॉपी से आप समझते होंगे कि क्या था वो प्रॉब्लम। इसका प्रॉब्लम था वो एक ड्राम। तो चलिए ड्राम को भी हम आपको दिखा देते हैं, ड्राम में ऐसा क्या था जिससे ये प्रॉब्लम हुआ था। तो ड्राम में तो कैमरा से पकड़ा नहीं जाएगा, यहाँ पे ड्राम में देखिए, ड्राम जब बहुत यूज हो जाता है ड्राम में ऐसा लाइन लाइन जैसा दाग हो जाता है। तो लाइन लाइन दाग से ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है ड्राम जब कट जाता है तो ये होता है। तो ड्राम में मतलब ड्राम खराब हो चुका है, तो ड्राम खराब होने ही से ये होता है। मतलब मैंने जो फोटोकॉपी किया है व्हाइट पेज से आपको समझा देते हैं, ड्राम जब घूमता है इस हिसाब से ड्राम के ऊपर से ये पेज जाता है, तो अब जाके ये अगर ऐसा लंबा लंबा दाग होता है तो ये ड्राम से ही होता है, मतलब ड्राम खराब हो जाने से। अगर ये दाग अगर ऐसे लंबा लंबा होता है वो कुछ अलग अलग प्रॉब्लम है, उसका लिए भी वीडियो हम देंगे। तो ड्राम अगर ऐसे अगर जाता है आपका मशीन से, ऐसे अगर ड्राम के पास ऐसे करके पेज निकलता है, ऐसा अगर लाइन होता है तो उसका लिए अलग होता है। तो इसका जो वीडियो मैंने दिया है मतलब इस सिस्टम से जो पेज बाहर निकलता है उसके लिए ये वीडियो है, मतलब ड्राम खराब हो चुका है। तो आप ड्राम भी चेंज कर लीजिए तो आपका ये जो ब्लैक जो स्टेप आता है स्टेप नहीं होगा, तो ब्लैक स्टेप के लिए ये ड्राम से ही होता है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह नए नए वीडियो डालते रहूँगा, आप भी कॉमेंट कीजिए, आपका कॉमेंट का भी जवाब हम वीडियो से देंगे। जितना सारा आप कमेंट करेंगे हर कमेंट का हम वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे पास फैसिलिटी हो
तो मैं इंस्टेंट कर दूंगा, अगर फैसिलिटी नहीं हो तो मैं बाद में भी होने से भी हम वो वीडियो कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, अगले वीडियो देने के लिए हम तैयारी करते हैं।